फ्रेंड्स, मेरे पास एक 14 वाट का एलईडी बल्ब आया हुआ है जो कि जल नहीं रहा है। चलिए सबसे पहले मैं इसे स्विच देखकर देखता हूँ। देखिए जल नहीं रहा। अब आपको सबसे पहले जब नहीं जले तो सबसे पहले इसका एलईडी सब आप देखिएगा, ये कहीं पर रिपेयर हो चुका था। देखिए इसको शॉर्ट कर दिया है एक एलईडी को, ये कभी रिपेयर हो चुका था। अब इसमें देखिए बहुत सारा एलईडी जो है स्पॉट हो गया है। देखिए ब्लैक स्पॉट, एक दो तीन, देखिए चार। तो अब जो है, अब ऐसा जो है सोल्डरिंग कर देने से काम नहीं चलेगा, ये प्लेट बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको तो डाउट है ये सब फ्यूज हो गया है, लेकिन इसका वोल्टेज पहले देख लेते हैं, वोल्टेज सही है या नहीं। वोल्टेज तो ठीक दे रहा है ना? ये भी फ्यूज हो चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लेट को ही बदलना पड़ेगा। तो मेरे पास 15 वाट का है, 15 वाट का MCPCB है, इसे मैं यहाँ लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको खोलता हूँ, मैं जरा मेरा आयरन को थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। आयरन गर्म हो चुका है, मैं इसका वायर को खोलता हूँ। अब इसमें जो है एक MCPCB को जोड़ के आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये सही है या नहीं। लगा दिया हूँ, अब जो है मैं टेस्ट करके देखता हूँ। ये देखिए ठीक है ना, इसका MCPCB ही खराब था। तो अब मैं इसे खोलकर मैं इसे फिट करता हूँ। दोनों वायर खोल दिया हूँ मैं इसे। अब इसको जो है यहाँ खोल देना है, दोनों स्क्रू को खोलकर इसे खोलना है। तो मैं दोनों स्क्रू खोल लेता हूँ। देखिए मैं दोनों स्क्रू खोल दिया हूँ, अब इसे उखाड़ना है। अब इसी के जगह पर इसे फिट करना है। तो इसे फिट करने के लिए यहाँ आपको ये हीट सिंक पेस्ट लगा देना पड़ेगा, क्योंकि हीट सिंक पेस्ट अगर नहीं लगाइएगा ये पेस्ट, तो आपका ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं इसमें हीट सिंक पेस्ट पहले लगा देता हूँ। ये पूरे अच्छी तरीके से आप लगा दीजिएगा। मैं पूरा लगाता हूँ। देखिए इस टाइप से आप हीट सिंक पेस्ट लगा दीजिएगा। इस टाइप से लगाने से क्या होगा, आपका हीट जो है ये चारों तरफ फैल जाएगा और आपका एलईडी सही सलामत रहेगा। मैं इसे स्क्रू लगा देता हूँ। देखिए मैं लगा दिया हूँ स्क्रू, दोनों लगा दिया हूँ टाइट करके। अब इसमें मैं प्लस में रेड वायर और माइनस में ब्लैक वायर लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मैं सोल्डरिंग कर दिया हूँ दोनों को।
अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे एक लाइक मार दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।